नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा ने सांसद साक्षी महाराज पर फिर जताया भरोसा। भारतीय जनता पार्टी ने जिले के सांसद डॉक्टर हरी साक्षी महाराज पर फिर भरोसा जताते हुए तीसरे चुनाव में भी लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। नाम की घोषणा होते ही समर्थकों ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया और साक्षी महाराज को फूल माला जिताने का संकल्प लिया। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व छवि वाले डॉक्टर हरी साक्षी महाराज को लोकसभा चुनाव में उतारा था। मोदी लहर में साक्षी महाराज ने जीत का परचम लहराया था। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने फिर से साक्षी महाराज पर ही भरोसा जताया था। साक्षी ने भी पार्टी पदाधिकारियों को निराश नहीं किया था और 2014 के मुकाबले ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार लंबे समय से टिकट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म चल रहा था। शनिवार को भाजपा ने सारी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए फिर से साक्षी महाराज पर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया। साक्षी महाराज एटा शिकोहाबाद के मूल निवासी हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार ने साक्षी महाराज को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने की पुष्टि की है। 2014 के चुनाव में 3.10 लाख के अंतर से जीते थे। साक्षी महाराज ने 2014 के चुनाव में भी अरुण शंकर शुक्ला को 31,173 मत से हराया था। अरुण शंकर शुक्ला ने 2014 का चुनाव उन्नाव जिले से सपा के टिकट पर लड़ा था। इस चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। 3 लाख वोट के अंतर से चुनाव जीतकर साक्षी महाराज प्रदेश में 8वें नंबर पर रहे थे। उनसे जनरल बीके सिंह, डॉक्टर भोला सिंह, संजीव बालियान, मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, हेमा मालिनी व योगी आदित्यनाथ ही जीत के अंतर में आगे रहे थे। 2019 में साक्षी को मिली थी प्रदेश में चौथी बड़ी जीत। 2019 के चुनाव में साक्षी महाराज ने 40,965 लाख वोट से प्रदेश में चौथी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।